हेलो एवरीवन, राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं अपने आ गई हूँ सैलून पे, शालीमार गार्डन वाले। तो मेरे हेयर बहुत ज़्यादा मैसी और ड्राई हो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इनमें ट्रीटमेंट ले लूँ, कैराबोटॉक्स ट्रीटमेंट, जो हमारा खुद का लॉन्च्ड ट्रीटमेंट है। एक कैराटीन और बोटॉक्स को कंबाइन करके हमने एक ट्रीटमेंट बनाया है, जिसका नाम है, रखा है हमने कैराबोटॉक्स ट्रीटमेंट। वो हमारे अपने यू प्रोफेशनल का है, जिसकी ये स्मूथनिंग क्रीम और ये सिरम मेरे पीछे आपको दिख रहे होंगे। तो इसी का हम कैराबोटॉक्स ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, मेरे बालों पे होगा। तो देखते हैं कैसा रहता है इसका रिजल्ट पूरे, और क्या क्या इसमें प्रोसेस होता है, तो वो पूरा मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आपके पास पहुंचाऊंगी। तो तब तक आप पूरी वीडियो को देखना, बहुत मज़ा आने वाला। बोर नहीं करूंगी यार कैराबोटॉक्स दिखा के आपको, पूरा ट्रीटमेंट एकदम इंटरेस्टिंग वे में होगा, मज़ा आएगा बहुत आपको। वैसे हेयर की कंडीशन इसलिए मैं ये करवा रही हूँ क्योंकि इसकी कंडीशन अभी थोड़ा सा हो गई है ऐसी, बिकॉज काफ़ी टाइम से मैंने कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं लिया है, स्पा भी नहीं लिया है, क्योंकि टाइम ही नहीं हो रहा था। मैं सोच रही हूँ कि अब ले लूँ। आज मैंने एक अपना कीमती समय निकाला है अपने बालों के लिए, अपनी स्किन के लिए भी निकालना चाहिए, हमें अपने बालों के लिए भी निकालना चाहिए, और आपको हमारे लिए भी निकालना चाहिए। हमारी वीडियोस देखिए और हमारे सैलून में आइए, मैं हमेशा आपको यही बोलते रहती हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आज। तो देखो, ये लाइट ने मुझे और सुंदर बना दिया। तो अब मैं सबसे पहले करवाऊँगी हेड वॉश, और हेड वॉश किससे होगा दिखाना जरा। आंचल आंचल करेगी मेरा पूरा ट्रीटमेंट। ये देखो, तो ये है क्लैरिफाइंग शैम्पू, फर्स्ट स्टेप रहता है क्लैरिफाइंग शैम्पू का। तो अब मेरा होगा हेड वॉश, तो दो बार होगा, क्योंकि दो बार होगा या तीन बार, दो बार होगा ना, हाँ, तो दो बार इससे वॉश होगा, और फिर इससे हमारे जो हेयर के क्यूटिकल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। और तो ये अब मेरा सेकेंड टाइम वॉश हो रहा है, और शैम्पू देखिए कितना लाइट सा है ये, मतलब एक होता है ना थिक सा शैम्पू होता है, तो वैसा नहीं होता है, ये बहुत पतला होता है, जेल होता है पूरा, जेल फॉर्म। तो ड्रायर होगा सिर्फ 50%, और वो भी ठंडा होगा ना, ठंडा ड्रायर होगा। अब यूज होगा मेरे हेयर पे कैराबोटॉक्स ट्रीटमेंट लोशन, तो देखते हैं कैसे एप्लीकेशन होती है इसकी। सही से ऐसा दांत दिखने चाहिए, दांत दिखाओ ना, पंप ही दिखाए। ठीक है, तो हमारे प्रोफेशनल्स आर्टिस्ट जो हैं, केमिकल एक्सपर्ट्स, वो रेडी हो रहे हैं बालों को चमकाने के लिए। बहुत मजा आता है केमिकल वर्क करने में, है ना आचल? बहुत, सबसे ज्यादा मजा यही है, इसमें ही आता है, मेकअप में और केमिकल वर्क में। और हम बहुत सारे केमिकल वर्क करते हैं एक साथ, बहुत मजा आता है। दीदी भी होती है, और मैं और आचल भैया भी हमारे साथ करवाते हैं, बहुत मजा आता है, हम लोग एक साथ करते हैं। अभी हमारी वीडियोस भी आएंगी इस पे, तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि हम कितने केमिकल वर्क्स करते हैं एक साथ। तो अभी मेरे हेयर पे सेक्शंस दिए जा रहे हैं। जैसे हमारी स्किन को, फेस को जरूरत होती है प्रॉपरली उसे मेंटेन करने की, वैसे ही बालों को भी होती है। तो काफी टाइम से मैंने ऐसे ही छोड़ दिया हुआ है। मानसी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ट्रीटमेंट करते हुए मजा आ रहा है? बहुत मजा। और आचल, आचल तो करते रहती है। दीदी मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम किया मैंने। अच्छा, बस यार अच्छे से चमका देना मेरे बालों को। दीदी बहुत अच्छा करेंगे, ताकि आप मेरे पास दोबारा आओ। तो अब आ गए हम आगे वाले बालों के, जो सेक्शंस डिवाइड किए थे, तो हम आगे वाले बालों पे पहुंच गए हैं। तो मेरी बालों की कंडीशन क्यों दिखा रही हूँ बार बार? मैंने बता दिया कि खराब हो रखी है, मुझे पता है। दिखा रहे हैं हम
ठीक कर देंगे हमारे पास लाइंस आएंगे और हमारा जो ये कैराबोटॉक्स ट्रीटमेंट है इसमें बिल्कुल भी फ्यूम नहीं है तो आप इजीली करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी ट्रीटमेंट करवाते हुए तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो एप्लीकेशन डन कर दी है, बाल हो गए हैं मेरे बिल्कुल चिपकू चुपकू से और देखो कितने छोटे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि दो बाल है बस सर में, चिपक गए ना सारे इसलिए। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है मेरे बालों में। अब फिर से ड्रायर हो रहा है मेरे, कितनी बार करोगे। तो दीदी और भैया यहाँ पर नहीं है अभी, आज नहीं है मतलब मेकअप के लिए गए हैं वो बाहर। ये लोग मुझे बोलने नहीं देंगे अपनी ड्रायर की आवाज़ से, चाहते नहीं कि मैं आप लोगों से बात कर पाऊँ। तो वो आएंगे रात में, लेट हो जाएंगे शायद क्योंकि मेकअप है वहाँ पर मुरादाबाद में, तो थोड़ा लेट आएंगे वो लोग। तो मैं आपको दिखाऊंगी घर पे जाकर भी कि क्या क्या हो रहा है, पहले तो मैं इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी आपको कि कैसे बाल उगाते। रिज़ल्ट तो अभी पता चलेगा नहीं, इसकी आवाज़ से आपको कुछ नहीं सुनाई देगा, मैं अभी थोड़ी देर में बताती हूँ आपको। इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है, मेरे बालों को खींच खींच के नोच नोच के मुझसे बदला ले रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ का बदला ये मुझसे ले रहे हैं। अब हो रही है प्रेसिंग, यहाँ की तो हो ही चुकी है और बाल अब मुझे लगता है कि ठीक हो जाएंगे। तो प्रेसिंग हो चुकी है और ये देखिए हेयर कितने अच्छे लग रहे हैं मेरे। अभी तो इसमें प्रोडक्ट लगा हुआ है, वॉश नहीं हुआ है, तो वॉश होगा कल। तो इसे मुझे पूरे दिन ऐसे ही रखना है, पूरी रात मुड़ेंगे नहीं ये सोते वक्त कहाँ लटकेंगे इतने से बाल मेरे के और इनको मुझे कान के पीछे नहीं करना है, ऐसे ही रखना है बिल्कुल ठीक है, और बहुत अच्छे लग रहे हैं बस ये ऐसे ही। तो हमने ले लिए हैं बीकानेर वाले से गोलगप्पे, गोलगप्पे पैक कराए हैं क्योंकि पापा जी का फ़ोन आया था कि गोलगप्पे लेकर आने हैं, और पार्लर भी हमने बढ़ा दिया है और मैं जाऊंगी अब आंचल के साथ स्कूटी में। तो घर जाकर हम लेंगे गोलगप्पों का आनंद, और तो मैं अब आपको दिखाऊंगी सीधा घर पहुंचकर, क्योंकि स्कूटी से वीडियो बनाना रिस्की है और मेरे हाथ में एक बैग है और एक ये है तो मैं नहीं बना पाऊंगी वीडियो, सॉरी। मैं अब ऊपर जा रही हूँ घर पे, तो मैं देखूंगी कि समर्थ का रिएक्शन क्या होता है। समर्थ कहाँ है? समर्थ में कहाँ हो? इसको देखो इसको देखो, इसको मिलना होता सबसे पहले, इसे पकड़ियो से वो दिन तो ये है हमारी गोलगप्पे वाली दीदी। गोलगप्पे तो हमने चट कर दिए सारे, अब हम पानी बचाया है, पानी पी रहे हैं गोलगप्पे का। हाँ मजा आता है गोलगप्पे का पानी पीने में। तो बहुत वेट करने के बाद दीदी घर पे आ गई है। मेरा काजल लाइनर देखो। तो कैसा रहा था आपका मेकअप? बहुत अच्छा, अब वो डालूंगी ना मैं उस पर। हाँ ठीक है, भैया के ब्लॉग्स में हमें देखने को मिलेगा और दीदी की इंस्टाग्राम आईडी में भी। तो अब बहुत नींद आ रही है, बहुत थक गए हैं है ना। और भैया तो अपने ब्लॉग्स में बिजी है। भैया कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, मजा आया बहुत ज्यादा ब्लॉग्स बनाते हुए, म्यूजिक एडिट कर। तो आप लोगों को भी मैं गीता ब्लॉग्स में जाकर सारे ब्लॉग्स देखने हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स हैं, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो वहाँ से भी आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। तो तब तक के लिए अब हम जा रहे हैं सोने, राधे राधे, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ कल आपसे।